माइनस वाई वन का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, वन प्लस फोर इज इक्वल्स टू रूट फाइव। ये आपकी क्या आ गई, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। सिमिलरली अगर आपको कह दिया जाए कि एक आपके पास अगर कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के आपको तीन कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए, वन टू वन थ्री थ्री फोर, और आपसे कह दिया जाए कि आप इनके बीच की क्या कीजिए, डिस्टेंस फाइंड कीजिए, दैट मीन्स आपके पास तीन पॉइंट है ए बी और सी, और आपसे कह दिया जाए कि ए बी बी सी और ए सी फाइंड कीजिए। ए बी फाइंड करने का मतलब ए और बी इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस, बी सी मतलब बी और सी इन दो के बीच की डिस्टेंस, एंड ए सी मतलब ए और सी इन दो के बीच की डिस्टेंस। अब देखिए बेटा, अगर आपको ये ट्राइंगल सोल्व करना हो तो उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास ये ट्राइंगल और हमें बोला गया है कि हमें फाइंड करना है ए बी बी सी एंड ए सी, दैट मीन्स इन तीनों के बीच की डिस्टेंस। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, फॉर्मूला वही है हमारे पास, हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, देखिए सबसे पहले वन टू एंड वन थ्री, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, पुट कीजिए बेटा इसके अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 1 रूट 1। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, BC, BC के हमारे पास पॉइंट्स हैं हमारे पास 1 3 3 एंड 4, x1 y1 x2 y2, पुट कीजिए इसके अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 रूट 5। इसी तरीके से जब हमें निकालना होगा एसी, एसी निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है हमारे एसी के, 1 2 एंड 3 एंड 4, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, पुट कीजिए बेटा इसके अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर 4 प्लस 4 रूट 8। आई होप आपको इन फॉर्मूला से इजीली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करना आ गया होगा। थैंक यू सो मच।